वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं जनाब। आज का सोशल इशू हमारा इम्पोर्टेंट भी है और एक बढ़ता हुआ मसला भी है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे डिवोर्स के हवाले से। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर शवाना मुफ्ती मौजूद होंगी, जो बाय प्रोफेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक थेरेपिस्ट भी हैं, जो इनका स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो फैमिली थेरेपी पे है, कपल थेरेपी पे है, पेरेंटिंग पे है, और लाइफ कोच भी हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एक मीडिया पर्सन भी है और एक सोशल वर्कर भी है। वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप शवाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लवली शवाना, डिवोर्स की रेशो की बात करें तो मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स शेयर करती चलूँ कि 2016 में जनाब 10,000 केसेज जो है वो रजिस्टर किए गए थे। 2017 की बात की जाए तो 20,000 हुए, और उसके बाद 2018 अगस्त तक 20,200 केसेज जो हैं वो फाइल हो चुके हैं, जबकि अदालतें 507 खवातीन को अब तक खुला दे चुकी है और मजीद 7,000 केसेज जो हैं वो पेंडिंग है। यानी कि हर गुजरते हुए साल के साथ, दिन के साथ इसकी रेशो में इजाफा हो रहा है। शवाना वजूहात तो डिवोर्स की बहुत सारी हैं। डिफरेंट तबकों पे डिपेंड करता है कि आप कौन से तबके से आपका ताल्लुक है, उसके मुताबिक हो सकता है आपकी रीजंस भी डिफरेंट हों। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक यूनिवर्सल डिजीज है, और अगर इस डिजीज को रोका ना जाए तो एपिडेमिक की तरह, जैसे वबा फैल जाती है ना, उस तरह से ये फैलती जाएगी। और फिर शादी जो है एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें एक औरत या मर्द सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उसमें पूरी फैमिली और उसके बाद कम्युनिटी और पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है। तो डिवोर्स जो है वो सिर्फ एक आदमी या मर्द को अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी पूरा जो सिस्टम है उसकी फाउंडेशन खराब हो सकती है। ठीक है, फिर उससे क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे, वो अफेक्ट होंगे, तो रीजंस तो बहुत सारी हो सकती है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि अगर आप जरा हाई एंड एलीट क्लास में चले जाएं, इनको जिनको फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज्यादा नहीं है, उनकी इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। जिसे कहते हैं ना 7 ईयर रिच, तो उसके बाद कभी कभी वो कहते हैं जी अब शादी के बाद जो है वो बोर्डम हो गई। बोर्डम हो गई तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, जिसमें ये हो सकता है कि आपको जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि जी आप ये कहें कि जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते तो फिर आप और चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं रहा, हस्बैंड एंड वाइफ दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, टाइम कम्युनिकेशन का मसला हो सकता है। अब लेकिन अगर आप थोड़ा और ऐसे तबके में जाएं जहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और हमारा जो ये पूरा सिस्टम है फाइनेंशियल स्ट्रेस सबको ही है, जब आप काम पे जाते हैं तो काम से जो है स्ट्रेस घर लेकर आते हैं, तो जो माली मुश्किलात होती हैं वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेकर आती है, मेजर इश्यू होता है जो शादी के ऊपर स्ट्रेस लेकर आता है। उसके बाद फिर ये आपके घर के डायनेमिक्स हो सकते हैं। फिर कभी कभी ये होता है कि अगर आपने लव मैरिज अपनी मर्जी से कर ली तो बड़े सियाने जो होते हैं वो कहते हैं जी भुगतो अब, अब अपनी मर्जी की थी उन भुगतो अब हमारा तो इसमें कोई नहीं है, अब कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर, फेस द म्यूजिक। तो उसके अलावा जो होता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि आपके घर के डायनेमिक्स क्या थे। अगर एक टर्म होती है जिसे कहते हैं कि हस्बैंड जो होता है कभी कभी शादी के बाद अपनी माँ के साथ मिलके वाइफ के अगेंस्ट हो जाता है, और उसको फील होता है कि उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, वो लेफ्ट आउट हो गई है। या कभी ये हो सकता है कि माँ जो है वो जो बीवी है वो अपने बच्चों के साथ मिलके हस्बैंड के अगेंस्ट हो जाए, तो ये ट्राइंगल सी बन जाती है। तो उस ट्राइंगल की वजह से जो होता है वो आपस में कम्युनिकेशन कम हो जाती है, और एक दूसरे से एक वॉर जोन बन जाता है घर में। तो वो सारे स्ट्रेसेस जो होते हैं मिलके, अगर आप एक एग्जाम है, अगर एग्जाम अगर आपने तैयारी नहीं की सही, तो आप बायोलॉजी का एग्जाम देना था, तैयारी आपने मैथ की तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो मैंने नोट किया है कि आप शादी जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह आप वैसे भी स्कॉलरली भी देखा जाए, रिलीजियसली भी देखा जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग कपड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं कि लड़का लड़की ने मैचिंग क्या करनी है, माइयों पे कपड़े कौन से पहनने, कितना हमारा वेडिंग प्लानर कौन सा होगा, लेकिन जो बेसिक डायनेमिक्स हैं कि शादी के बाद उसको हम इग्नोर करते हैं। इवन शादी के लिए लोग प्रिपेयर नहीं होते, बट दे आर फोर्स्ड टू डू दैट, और यंग एज में उनको फोर्स कर दिया जाता है, या बच्चे या वो अपना करियर कोई अभी परस्यू करना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी करना चाह रहा है, पर हमारे यहाँ सोशल प्रेशर इतने ज्यादा है कि शादी नहीं होगी तो यहाँ अजाब हो गया। उसमें अब आप ये देखें कि सबसे पहले जो होती है तरबियत घर से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब अगर आपने अपनी बच्ची को बचपन से एक माँ ने ऐसे एजुकेट किया है कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और आपको लेके चला जाएगा, तो आपकी तवक्कोआत क्या है?
आपने आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हुई कि कोई आदमी आएगा जी वो प्रिंस चार्मिंग होगा, और फिर जब घर में आप होते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि देखो जब अपने घर जाओ तो तुम ये कर लेना, हाँ हर चीज के लिए अपने घर जाओ तो तुम ये कर लेना, आप ड्रेसअप होना चाहते हैं या अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं या सर्टन तरीके से ड्रेसअप होना चाहते हैं तो आप नहीं अपने घर में तुम ये कर लेना, तो वो लड़की का जो कंडीशनिंग आप बचपन से कर रहे हैं ना उसको एजुकेशन या मेरिट की तरफ लाने की बजाय आप उसको बचपन से सिखा रहे हैं कि शादी इज योर मेन गोल। तो जब आपका मेन गोल ही ये होगा तो फिर जब वो अपने घर में जाएगी तो वो उसकी एक तवक्कुआत होंगी कि अब ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी अथॉरिटी है, किचन इज माइन, मेरी से चलेगी। और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती वहां पर तो एक पूरी टीम होती है, बिल्कुल, तो जब उसके अगेंस्ट आपका होगा तो खटपट तो होगी। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग, जिस तरह जब बच्चा पैदा हो रहा था ना तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं लोगों को कहती हूँ कि आप बच्चा पैदा करने से पहले जो है आप फर्टिलिटी या इस तरह के जाके इश्यूज डिस्कस करते हैं, उस तरह ही प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप देखें पूरे डायनेमिक्स आप पहले डिसाइड कर लें, जिस तरह से अगर आपने लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज है, कोई भी फेल हो सकती है। लव मैरिज में जिस तरह मैंने आपको कहा कि तवक्कुआत जरा ज्यादा होती है और सियाने लोग फैंटेसीज में भी रहना शुरू हो जाते हैं, शमाना ये भी एक बड़ा मसला है हमारे लव मैरिजेज में, आपको पहले इतने ज्यादा फैंटेसाइज किया जाता है उसके बाद जब आपको रियलिटी चेक मिलता है, मतलब उसमें होता ये कि लव मैरिज में देखो तीन बातें होंगी ना, सबसे पहले आपका एक है फिजिकल, जब आप देखें आपने डेट करनी है 6 महीने या साल, आप क्या करते हैं सबसे पहले उठते हैं बड़े डैशिंग कपड़े बेस्ट निकालते हैं अपनी बेस्ट अपीयरेंस बेस्ट वर्जन आप उस लड़की को दे रहे हैं या लड़का जो है दे रहा है, वो जिम जाता है, लड़की भी बड़ा फिट रहती है, डाइटिंग कर करके बेचारी हल्कान हो रही है, आप अपना बेस्ट वर्जन दूसरे को दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि इमोशनली जब कनेक्शन आप बिल्डअप कर रहे होते हैं तो आप अपनी रियलिटी चेक नहीं कर रहे होते, आप बाहर भी खाना खाने जा रहे होते हैं, आप अपना डाइन करने के लिए पैसे कहीं से उधार दोस्तों से मांग के भी देने हो तो आप कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं जी कि चलो हम ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप कभी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लेकर आते जो रियलिटी में शादी के बाद होता है। और उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि आपने उसको ये भी नहीं बताया होता कि अगर शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है, पहले वो शर्ट एंड जीन्स पहन कर आ रही है तो आपको शो मारने के लिए कि बड़ी ग्लैमरस है, अपने दोस्तों यारों में बैठ के जी ओ आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल। अब जब बच्ची की शादी होगी वो जब उस घर में गई तो वहां जी सासू माँ ने ये कहा कि ये तो हमने तो कहा था कि लड़की हिजाब पहने या एक सर्टन वे से ड्रेसअप हो, हिजाब नहीं पहनना, अब वहीं से मसले स्टार्ट हो गए। उसको फिर ये भी नहीं बताया हुआ कि घर में कितने लोग हैं, हमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना है या उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां आएंगी। और जिम्मेदारियों में ये भी आ जाता है कि अगर आप हमारे मुआशरे में ज्यादा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है कि नंदें भी घर में हैं या सास भी घर में है, किचन में उसने कितनी हेल्प लेनी है, वहां पे ऑलरेडी हेल्प है भी या नहीं है, तो उसके बाद फिर नौकरी, अगर वो लड़की आगे नौकरी करना चाहती है या इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहती है तो उसको ये हस्बैंड ने पहले जब डेट कर रहे हैं आपने ये चीजें डिस्कस नहीं किया। अब एक बहुत मेजर इशू आपका बन गया जी कि हमने काम वाली लड़की चाहिए नहीं है, काम करना या नहीं करना, या कभी कभी बहुत हाईली क्वालिफाइड लड़की ला के उसे कहना कि नहीं भी सिर्फ शो मारने के लिए कि ये डॉक्टर थी या इंजीनियर थी लेकिन अब तुम घर में बैठ जाओ अब बच्चे पालो। तो ये बेसिक जो एलिमेंट या जो बेसिक फाउंडेशन है वो जिस चीज पे आपने क्रिएट करनी थी वो खराब हो गई, बिल्कुल वो जब खराब हुई तो फिर वो लड़खड़ाएगी तो गिरेगी। और कुछ हमारा सामान्य प्रॉब्लम भी है, हम प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देखते हैं, हम चूंकि मूवीज इतनी ज्यादा देखते हैं ड्रामास देखते हैं और लड़कियों के माइंड में वही चीजें आ जाती हैं, इवन लड़का है या लड़की है उसकी एक्सपेक्टेशन भी वही है, कुछ मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं कि हम बहुत फैंटेसाइज हो जाते हैं। मीडिया से याद आया कि आजकल जो कम्युनिकेशन का गैप है वो गैजेट्स की वजह से आया है। पहले जब आप जितना भी स्ट्रेस घर लेकर आते थे तो कम से कम अपनी बीवी को डांट भी देते थे तो कम्युनिकेशन का एक तरीका था कि मैं जो है अपना स्ट्रेस लेकर आया हूँ, आपने डिस्प्लेसमेंट करनी होती है अपने गुस्से की, बॉस से गुस्से हुए घर आए। आजकल ये होता है कि बीवी जो है वो जब मियाँ घर आता है तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके उसको रिसीव करे, अफेक्शन शो करे, वो अपने आईपैड पे अपने फोन पे, बच्चों को भी वही दे देते हैं आप ताकि बच्चों से छुटकारा हो जाए, वो भी लगे रहते हैं उसके ऊपर। हस्बैंड जो है वो कंप्यूटर से काम करके आया घर आया तो दोबारा जो है वो गैप बीच में क्रिएट हो गया, अपने आईफोन पे लगा हुआ है। उसके बाद आप ये भी देखें कि ये बड़ी खतरनाक चीज है, जब कम्युनिकेशन का गैप बढ़ता गया, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, एक ही कमरे में बैठते हुए आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और फोन पे ही लगे हुए अपने अपने। हम तो अक्सर ये भी एग्जांपल देते हैं, हमने अपने घर में किसी बहन भाई को पानी का कहना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में कह देते अच्छा और चलो वो तो बहन भाई हो गए ना, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे इमोशनल डिस्कनेक्शन कितना हो गया। और कभी कभी अगर आप बोर्डम में हो जाएं और ये चीज
طول پکڑتی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد آپ کو ایک ایڈونچر یا ورائٹی, جس طرح روز مچھی کھائیں تو آپ کا دل کرتا ہے نا کہ اب چکن کھانا ہے, تو اس میں ورائٹی کا ایک ہیومن نیڈ ہے. تو اس میں اگر آپ کا اپنا ریلیشن شپ اچھا نہیں جا رہا اور آپ کا کوئی پرانا ریلیشن شپ جو دب گیا تھا, لیکن بیکاز آف دا ایکسس اب دنیا چھوٹی ہے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا کلاس فیلو وہاں بیٹھا ہوا تھا یا اب جو ہے وہ سائی وال میں بیٹھا ہوا ہے, تو واٹس ہیپننگ وہ آپ کو پتا چلتا رہتا ہے. تو ایک کنیکشن دوبارہ سے ریکنڈل ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے یا ہسبینڈ اپنی وائف کے اوپر, وائس ورسا اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کام کرے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے ڈسٹریکشن ہو جائے اور آپ کو کہیں اور کوئی رستہ ملے اور پانی اس طرف بہنا شروع ہو جائے. بالکل. تو یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے. تو ایک چیز سے دوسری چیز طول پکڑتی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شوال, میں نارملی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, عدم برداشت, انٹالرنس بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں, ایون یہ لو میرج میں ہے یا ارینج میرج میں, ہم اپنی جگہ پہ کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یا اپنی جگہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ جتن کرنے پڑے, وہ بھی ہمارے بڑا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں عدم برداشت تو دیکھیں, آپ سڑک پہ جائیں نا, روڈ ریج جسے کہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں مسلسل آگے ساری ٹریفک بند ہے, پیچھے سے ہارن بجائی جا رہے ہیں, تو کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں کیا ہیلی کاپٹر پکڑ کے یہاں سے چلے جاؤں. عدم برداشت تو ہر جگہ پہ پوری سوسائٹی کے اندر ہے. وہی چیز جب آپ گھر لے کر آتے ہیں اور اپنے ریلیشن شپس کے اندر لے کر آتے ہیں, تو یہ چیز گھر کی تربیت سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی ابھی ڈولی گئی ہے تو کفن میں جانا ہے. آج کل جو ہے, سم ٹائمز اسٹیئنگ ان اے ریلیشن شپ اینڈ ورکنگ آن اٹ از اے شیم, از اے نیو شیم. مائیں کہتی ہیں, یا اگر ایک خاص طبقہ ہے جہاں پہ کوئی فائنینشیل اسٹریسز نہیں ہے اور کوئی اور آبلیگیشن نہیں ہے, تو کبھی کبھی وہ کہتی ہیں ہاؤ ڈیئر یو میری بیٹی کو ایسے ٹریٹ کیا, تو ڈیورس لو, ہمارے پاس اور کسی چیز کی کمی نہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب تو ڈیورس لینا یا کھلا لینا کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں رہ گیا. میرے خیال سے بہت سارے کیسز تو ایسے ہیں کہ وہ کسی نے چھوٹی بات پر کہ آپ ڈیورس کھلا مانگ لے کسی سے, آپ کوئی آپ کو ڈیورس دے دے, برداشت کی کمی ہے. اور ایجوکیشن اب یہ ان کو سکھانے کی بجائے کہ ایکچولی ریلیشن شپ کے اوپر کام کریں اور اس کو ٹالریٹ کر کے کمپرومائز کریں, اور کبھی کبھی ہمارے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح سے کہا اس نیو شیم اسٹینگ ان اے بیڈ, ایم ناٹ سیئنگ کہ بیڈ ریلیشن شپ میں رہو, لیکن اس پہ کام تو کرو, ایٹ لیسٹ اس کو اپنا بیسٹ شاٹ تو دو. لیکن اب وہ یہ ہو گیا ہوا ہے, نہیں بیبی یو جسٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ, ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, دوسری طرف سے لڑکیوں کو جو ہے تربیت ہی وہ نہیں دی گئی کہ اگر دیکھیں آپ چاہے راکٹ سائنٹسٹ بھی بن جائیں, آئی ایم اے ڈاکٹر, ایونچولی جو پوری سوسائٹی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ ایک ہیپی فیملی کے اوپر ہے. اس میں بچے آتے ہیں, اس میں سارے ریلیشن شپ آتے ہیں, اور سب ریلیشن شپ کی میانہ روی از دا کی. اگر آپ اعتدال میں رہ کے ماں کو ماں کی جگہ دیں, بیوی کو بیوی کی جگہ دیں, اور عورت خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کا ایک ہیومن نیڈ ہوتی ہے رسپیکٹ. آدمیوں کو یہ بھی بہت ہوتا ہے ایک سرٹن کلچر کے اندر کہ ہماری رسپیکٹ نہیں ہے. رسپیکٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں آدمی تھکا ہوا گھر آیا, اگر وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں کماتا اور عورت کی توقعات تھی اس نے تھوڑا سا کم فیملی میں میری ڈاؤن کر لیا, اور اس کو یہ ہے جی کہ مجھے تو برانڈز ہی چاہیے, اور وہ اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کر رہی, کسی کا منہ دیکھ کے اپنا منہ تو لال نہیں کرتے نا. اور آج کل جس طرح آپ نے فیس بک کی بات کی, وہاں پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی پکچرز لگا رہے ہیں, لوگ اپنی بیسٹ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ. آپ کو لڑکی, وہ لڑکی کہے گی کہ او مائی گاڈ وہ میری سہیلی ٹریول کر رہی ہے. وہ سین پیپل سوانا جو اس طرح سے لڑ ہوتے ہیں کہ فلانا ویکیشن پہ گیا اور ہم لوگ نہیں جا سکتے, میں نے اس برانڈ کا سوٹ پہنا, اس نے تو چھ لے لیے تو مجھے ایک نہیں لا کر دے سکتے. تو وہ جو ہے جب آپ کا اسٹریس جو ہے وہ گھر میں آیا اور فائنینشیل ایشوز گھر میں آئے, تو وہاں سے آپ نے وہی بات ہے کہ اپنی چادر کے مطابق کام نہیں کیا, اور آپ نے اگر اس کو احساس کمتری کا تھوڑا سا بھی کرا دیا آدمی کو, تو وہ ہمارا تو کلچر کے آدمی جو ہیں وہ ابھی بھی یہ سسٹم پیٹریارکی کے اوپر ہے, تو وہ کہیں گے جی کہ ان کی غیرت جا اٹھے گی, یا وہ کہیں گے فوراً ہو جاتے نا ہم لوگ, اور اس میں وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا جو ہے اب یہ دیکھیں آپ کہ اس کو احساس کمتری ہوگی. ہر انسان ہیومن نیچر ہے, دے وانٹ ٹو بی اپریشیٹڈ, دے وانٹ ٹو بی ویلیڈیٹڈ. جس طرح ہسبینڈ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, وہ پرووائڈر ہے, گھر میں کھانا لے کر آ رہا ہے, تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ہی عورت چاہتی ہے کہ اگر میں تھوڑی موٹی ہو گئی پتلی ہو گئی تو مجھے اب تھوڑا سا تعریف کر دی جائے اس کی. تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. شادی جو ہے نا وہ ایک نان اسٹاپ جاب ہے 24/7. آپ آفس میں تو اپنے باس کے ساتھ اپنا 24 اپنا بیسٹ ورژن دیتے ہیں, آپ اس پہ کام بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے 8 گھنٹے وہاں گزارے, آپ نے 8 گھنٹے گزارے, لیکن یہاں پہ تو آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. تو یا تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ رو پٹ کے گزار لو, یا اس کے اوپر اس کو زندگی کو آپ خوبصورت بنا لو. تھینک یو ویری مچ شوانا, بہت شکریہ اتنی زبردست باتیں کرنے کے لیے جناب.
मेरे ख्याल से आज हवाने ने आपको डिटेल्ड इसकी रीजंस भी बता दी और आपको उसकी रेमेडीज भी बता दी है। तो हम शवाने हमारे साथ ज्वाइन करती रहेंगी हमें चंद दिन और मजीद हम इनसे मजीद डिस्कशन भी करते रहेंगे। और अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।